हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वुचेरिया बैंड आज हम सभी वुचेरिया के बारे में जानेंगे कि ये कैसे एनिमल्स है ये कौन सा डिजीज़ कॉज करते हैं और इसका लाइफ साइकिल क्या है और साथ ही साथ हम यहाँ पे इसका हैबिट हैबिटाट और मॉर्फोलॉजी भी थोड़ा कर लेंगे तो सबसे पहले ये जो वचरेरिया है ये एक फ़ाइलेरियल वाम है क्योंकि ये जो डिज़ीज़ कॉज करता है उसका नाम है फाइलेरिया वचेरेरिया का मतलब ही होता है फाइलेरिया सो so, वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी आर नेमाटोड्स राउंड वाम्स जो कि फाइलेरिया डिज़ीज़ को कॉज करते हैं सबसे पहले यहाँ पे फाइलम

फाइलेरिया को एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पाँव भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो लिम्स होते हैं पैर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वॉलन फूल जाते हैं एलिफेंटियासिस भी कहते हैं हैबिटेंट हैबिटेट ये कहाँ रहते हैं सो फाइलेरियल वॉम तो ह्यूमन के अंदर रहते ह्यूमन एंडोपैरासाइट है और ये हमारे ब्लड में और सबसे ज़्यादा ये लिम्फ़ैटिक ग्लैंड्स में और लिफ़ैटिक वेसल्स में इट मीनस डक्ट में प्रेजेंट होते हैं इनका सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो लिफैटिक सिस्टम में पाया जाता है वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जैसे कि हाथ पैर या फिर जो ग्लैंड्स है वो फूलना शुरू हो जाते और जो ऑर्गन्स है वो पूरा स्वॉल हो जाता है फूल जाता है एंड इट्स इंटरमीडिएट होस्ट इज़ मॉस्क्यूटो और मॉस्क्यूटो इस बीमारी को फैलाने का काम करता है और मॉस्क्यूटो में बहुत सारा लार्वल डेवलपमेंट भी होता है तो इसका फर्स्ट होस्ट इज़ मैन एंड इंटरमीडिएट होस्ट इज़ मॉस्क्यूटो और डिस्ट्रीब्यूशन पर आए तो ये ऑलमोस्ट ऑल रीजनस में मिल जाते हैं बस सिर्फ पोलर रीजन्स को छोड़ करके पोलर रीजन्स को छोड़ करके और यूरोप अफ्रीका इन सभी कंट्रीज़ में भी ये डिजीज़ उतनी नहीं होती है मॉरफोलॉजी अडल्ट बॉम्स आर थ्रेड लाइक ये फिली फॉर्म यानी कि थ्रेड लाइक होते हैं देखने में सिलेंड्रिकल इनका शेप होता है एंड बोथ द एंड्स टर्मिनेट ब्लंटली इट मीन्स जो वॉर्म है उसका एंटीरियर एंड भी ब्लंट है और पोस्टीरियर एंड इट मीन्स कि ये पॉइंटेड नहीं है ये ब्लंट होता है इनका एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड कलर इनका क्रीमी वाइट होता है देखने में एंड सेक्सेज आर सेपरेट इट मीन्स मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होंगी एंड दे शो सेक्शुअल डायमोरफिज़म इट मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करेंगे जिससे हमें देखने से पता चल जाए कि कौन सा मेल है और कौन फीमेल फीमेल इज लार्जर देन मेल सो ये सेक्शुअल डायमोरफिजम शो करते हैं और फीमेल जो है वो देखने में मेल से काफ़ी लंबी होती है माउथ पर्चर इज सिंपल विदाउट लिप्स इनमें जो माउथ होता है वो बहुत ही सिंपल है और इसमें कोई भी लिप्स का स्ट्रक्चर नहीं होता है फीमेल का साइज़ करीबन सिक्सटी फाइव टू हंड्रेड मिलीमीटर तक जाता है और जो मेल होते हैं मेल में फोर्टी एम एम तक ही साइज़ होता है तो फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल इंटेस्टाइन इज सिंपल दिनफेरिंगस एंड इंटेस्टाइन है जो कि बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये नेमाटोड्स है प्रिमिटिव है पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल इज सापली कर्व्ड मेल का जो नीचे का हिस्सा है टेल वो थोड़ा कर्व रहता है और वो वेंट्रली कर्व होता है एंड कंटेन्स जेनाइटल पैपीली और मेल में पोस्टीरियर रीजन में जेनाइटल पपीली होंगे रिप्रोडक्शन के लिए और फीमेल में वल्वा और जेनाइटल पोर एंड इट इज़ लोकेटेड इन द फेरिंगियल रीजन फ़ीमेल के फेरिंगियल रीज़न में वल्वा होगा रिप्रोडक्शन के लिए और ये भी वेंट्रली ही होता है फेरिंगियल रीज़न में वेंट्रली लोकेटेड होता है यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है ये अडल्ट बॉर्म तो नहीं है ये माइक्रोफाइलेरिया है यानी कि इसका लारवल है लार्वा है ये माइक्रोफाइलेरिया इज़ अ लार्वा ऑफ वच एरिया तो यहाँ पे हम इसका ओरल स्टाइलेट इट हैीन्स माउथ देख सकते हैं नफ्रीडियो पोर एक्सक्रीशन के लिए है ब्लाडर है और टेल है एनस है तो ये एक माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का फिगर है लाइफ साइकिल तो चलिए अब हम लाइफ साइकिल का टॉपिक को शुरू करते हैं इट इज़ अ डाइजेनेटिक पैरासाइट ये डायजेनेटिक है यानी कि ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है एक ह्यूमन बींग और दूसरा मॉस्क्यूटो प्राइमरी होस्ट इज मैन जहाँ पे ये लिम्फैटिक सिस्टम में रहता है और इंटरमीडिएट होस्ट है मॉस्क्यूटो और मॉस्क्यूटो में भी ज़्यादातर ये क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो में क्यूलेक्स जीनस है इसी में ज़्यादातर मॉस्क्यूटो में होता है नाउ काप्यूलेशन सबसे पहले ये जो वॉर्म्स होते हैं ये काप्यूलेट करते हैं ताकि एग रिलीज कर सके तो कॉप्यूलेशन इनका लिम्फैटिक सिस्टम यानी कि लिम्फ ग्लैंड में ही होता है वैन बोथ द सेक्सेज आर प्रेजेंट इन सेम ग्लैंड ह्यूमन बींग्स के लिम्फैटिक ग्लैंड में ये प्रेजेंट होते हैं अगर मेल और फीमेल दोनों सेम ग्लैंडस में है तो उनका कॉप्यूलेशन पॉसिबल है नाउ डेवलपमेंट इन मैन कॉप्यूलेशन के बाद इनका डेवलपमेंट होगा ह्यूमन बींग में फीमेल जो होती है वो जनरली वीवी पेरस और ओवोवीवी पेरस भी होती हैं इट मीन्स जो एग ये ले नहीं करके अपनी बॉडी में ही फीमेल की बॉडी में ही एग्स का डेवलपमेंट होगा देन वो रिलीज करेंगी माइक्रोफाइलेरी को जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है वो जुवेनाइल्स को रिलीज़ कर देंगी ये बहुत ही छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं अबाउट ज़ीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट थ्री मिलीमीटर लॉन्ग एंड इनकी पूरी बॉडी एक क्यूटिकुलर सिथ से एक मेम्ब्रेन से कवर होती है सो so, माइक्रोफाइलेरिया का फिगर अभी हमने देखा तो वो बिल्कुल ही उस तरह से कवर्ड होती है नाउ ये जो माइक्रोफाइलेरी है इन्हें लिम्फ वेसल्स में फीमेल रिलीज़ कर देती है और लिम्फ वेसल से ये आ जाते हैं फिर ब्लड वेसल्स में एंड देन ये सर्कुलेशन करना शुरू करते हैं ब्लड के साथ और ये दे सोइंग एक्टिव मूवमेंट्स सो इन ब्लड ऑफ मैन माइक्रोफाइलेरी क्या शो करते हैं डे एंड नाइट प्रियोडिसिटी जिसे डायरनल रिदम भी कहते हैं इट मीन बाई डे दे लिव इन लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेसल्स बट एट नाइट और ड्यूरिंग स्लीप दे कम इन टू पेरीफेरल वेसल्स इन स्किन टू बी सक बाई नॉक्टर मॉस्क्यूटो दैट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो विच सर्वे इंटरमीडिएट होस्ट इसका मतलब ये जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है ये डायर्नल रिदम शो करता है यानी दिन के समय ये शरीर के बिल्कुल अंदर के ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं जहाँ से इसे मच्छर नहीं ले पाए लेकिन रात के समय जब आप सोते हो तो ये क्या करते हैं आपके स्किन के वेसल्स में ये चले जाते हैं एकदम बिल्कुल ही ऊपर आ जाते हैं जिससे कि आराम से मच्छर आए और इसको अपने सक कर सके सो जो नॉकटर्नल मॉस्क्यूटो है जो मॉस्कीटोज़ रात में आते हैं जैसे कि क्यूलेक्स मॉस्कीटो फाइलेरिया में सबसे ज़्यादा कैरी करता है दे सर्व एज इंटरमीडिएट होस्ट इट मीन्स ये डायर्नल रिदम शो कर रहे हैं दिन में ये छुप जाते हैं और रात में ये स्किन पे आ जाते हैं ताकि आराम से ये मच्छर के अंदर जा सके सो so, इस तरह का कुछ डेवलपमेंट मैन में देखने को मिलता है अब जब ये मॉस्क्यूटो के अंदर चले जाएंगे तो इनका डेवलपमेंट अब मॉस्क्यूटो में कंप्लीट होगा सो so, जैसे ही मॉस्क्यूटो अपना ब्लड मील लेने आएगी रात के समय क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो ये मॉस्कीटो के अंदर चले जाएंगे एंड इन द स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो माइक्रोफाइलेरी लूज़ दियर शीत जो माइक्रोफाइलेरिया की जो बॉडी पूरी शीत से कवर थी वो स्टमक में पेनिट्रेट करते समय लूज कर जाते तो शीत इनकी लूज हो जाती और फिर ये थोड़ा सिक मसल्स में जाते जहाँ पर इनका डेवलपमेंट कम्प्लीट होगा सो उस रीज़न में इनका मेटामोफोसिस होता है और ये माइक्रोफाइलेरी जो है वो डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं सो माइक्रोफाइलेरी करीबन दस दिन में ये दो बार चेंज होते हैं यानी कि दो माउल्स लेते हैं सेकेंड स्टेज का लार्वा और देन जो सेकेंड स्टेज का लार्वा है वो बन जाता है थर्ड स्टेज का लार्वा इट मीन्स माइक्रोफाइलेरिया थर्ड स्टेज का लार्वा बन जाता है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ये जो थर्ड स्टेज लार्वा होता है ये करीबन 1.5 पॉइंट mm फाइव लॉन्ग है और ये इन्फेक्टिव जो है यानी कि ये अब अनदर ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो चुका है सो दे आर नाउ माइग्रेट इन टू मॉस्कीटोज लेबियम और प्रोपोस्किस तो ये फिर मॉस्क्यूटोज के माउथ पार्ट में चले जाएंगे ताकि वो अनदर ह्यूमन को जब भी बाइट करे तो ये जो मॉस्क्यूटो के अंदर जुवेनाइल्स पड़े हैं इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स ये न्यू ह्यूमन होस्ट को भी अटैक कर सके उनके अंदर जा सके इन्फेक्शन ऑफ न्यू ह्यूमन होस्ट किस तरह से ये नए ह्यूमन में एंटर करेंगे वेन द मस्क्यूटो पियर्स इट्स प्रोबॉस्किज इन टू अनदर ह्यूमन होस्ट द इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स कम आउट ऑफ लेवियम ऑन द स्किन एंड पेनीट्रेट थ्रू द वेड बाई मस्क्यूटो एंड इंडर ब्लड ऑफ ह्यूमन होस्ट जैसे ही मॉस्क्यूटो हमारी स्किन पे पियर्स करते हैं एक छेद बनाते हैं अपने माउथ पार्ट से प्रोबॉस्किस से तो ये जो इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स होते हैं ये उनकी प्रोबॉस्किस से और लैबियम से होता हुआ हमारे स्किन तक पहुंच जाता है और जो वोंड बना था यानी कि जो होल बना था उस होल से वो हमारे ब्लड में चला आता है तो ये हमारे ब्लड में फाइनली एंट्री कर गया इट मीन्स मॉस्क्यूटो इसे इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं मॉस्क्यूटो जब वो वोंड बनाएंगे वो होल बनाएंगे तो वो उसमें अंदर चला जाएगा सो न्यू ह्यूमन होस्ट में इस तरह से इन्फेक्शन होता है फिर ये जुवेनाइल जो है ये लिम्फ ग्लैंड्स में जाएंगे और वहाँ पे फिर इनका डेवलपमेंट होगा और ये लार्वल स्टेज कंप्लीट हो जाएगा और ये अडल्ट बन जाएंगे फिर अडल्ट कॉप्यूलेट होंगे और फिर फीमेल जो है माइक्रोफाइलेरी डेवलप करेगी और इस तरह से इनका जो लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल चलता रहेगा यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल का एक फिगर बनाया है ताकि हम आसानी से फाइलेरियास को समझ सके तो ये मॉस्क्यूटो क्यूलेक्स मॉस्टो और इंडिया में सबसे ज़्यादा ये पीपियंस क्यूलेक्स पीपियंस मॉस्क्यूटो ही इंडिया में ज़्यादातर फाइलेरिया डिजीज़ को कॉज करती है सो so ये क्या करेगी ये एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ऑलरेडी फाइलेरिया हो चुका है देखिए यहाँ पे इसका जो पैर है ये एलिफेंटियासिस से ग्रस्त है फाइलेरियासिस इसे हो चुका है ठीक है तो यहाँ पे इसकी बॉडी में अभी क्या चल रहा है इसके सारे लिम्फ ग्लैंड्स में ये बिल्कुल इकट्ठे हो चुके हैं और ये नॉकटर्नल माइग्रेशन यानी कि जो डायर्नल रिदम है ये शो करते हैं यानी कि दिन में ये क्या चले जाते हैं डीप थोरेसिक ब्लड वेसल्स में और जैसे ही रात का समय होता है तो ये स्किन के ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं तो रात के समय ये नॉकटर्नल मॉस्क्यूटो क्यूलेक्स ये आएगी और ये जो माइक्रोफाइलेरी इनके ब्लड में है वो उसको सक कर लेगी सक करने के बाद फिर मॉस्क्यूटो में इसका डेवलपमेंट चलेगा डेवलपमेंट ऑफ जुवेनाइल इन मॉस्क्यूटो सो मॉस्टो में इसका डेवलपमेंट होगा और ये जो लार्वा है ये इसके थोरेसिक मसल्स में डेवलप करते हैं तो ये जो माइक्रोफाइलेरिया जो शीत से घिरा हुआ था ये अपना शीत लूज करके फर्स्ट स्टेज लार्वा बनता है देन सेकेंड स्टेज लार्वा और फाइनली बन जाता है थर्ड स्टेज लार्वा तो इस तरह से ये थर्ड स्टेज का लारवा यानी कि इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स बन जाता है और ये रेडी हो जाता है फिर दूसरे ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए तो अब ये मॉस्क्यूटो जब किसी नए इंसान को बाइट करेगी तो ये इन्फेक्टिव जुबेनाइल्स वो ट्रांसफ़र कर देगी ह्यूमन बींग्स में और फिर ये जो जुबेनाइल्स है ये ह्यूमन की बॉडी के लिम्फ ग्लैंड्स में जा कर के स्टोर होना शुरू होंगे और फिर से जो इंसान की हालत है वो फिर फिर से इस तरह की हो जाएगी तो उनका जो डेवलपमेंट है वो होना शुरू होगा और एक ही लिम्फ ग्लैंड में अगर फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट हो तो ये इनका कॉपुलेशन होगा जिससे कि एग ले करेंगे और इस तरह से फिर से माइक्रोफाइलेरी डेवलप होगा और फिर से मस्क्यूटो सक करेगी और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता रहेगा तो यही था हमारा आज का टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरेरिया बैंडक्राफ्ट इसका क्या बीमारी का सिम्टम्स है यानी कि पैथोजेनेसिस इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है प्रिवेंशन क्या है ये पूरे डिजीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में तो ये नेक्स्ट वीडियो आप सभी जाके ज़रूर देखिएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आज हम सभी ने वेरेरिया बैनक्रॉप्टी यानी कि जो फाइलेरियल वॉम है जो फाइलेरिया डिज़ीज़ को कॉज करता है इसके बारे में जाना कि ये एक फ़ाइलेरियल वॉम है जो कि फ़ाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस डिजीज़ कॉज करता है ये ह्यूमन बिंग्स के लिम्फ़ैटिक ग्लैंड्स में रहता है और फिर हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी कि ये किस तरह का दिखता है जिसमें मैंने यहाँ पे एक माइक्रो फाइलेरियल आर्वा का डायग्राम भी बनाया देन हमने लाइफ साइकिल स्टार्ट किया कि ये दो ह्यूमन होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है मैन और क्यूलेक्स मॉस्क्यूटोज़ इसका कॉपुलेशन हमारे लिम्फैटिक ग्लैंड्स में होता है फिर इसका डेवलपमेंट होता है जिससे कि माइक्रोफाइलेरी डेवलप होते हैं जिसके बाद ये डायर्नल रिदम शो करते हैं और रात के समय नॉक्टर्नल मॉस्क्यूटो क्यूलिक्स इसे सक कर लेती है फिर मॉस्क्यूटो में इसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है और ये फाइनली थर्ड स्टेज का लारवा इन्फेक्टिव जुमनाइल्स बन जाता है जो कि फिर एक नए ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो ये था इसका लाइफ साइकिल इसका पैथोजेनेसिस सिम्टम्स प्रोफाइल एक्सिस ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल का एक डायग्राम बनाया तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का वीडियो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कुछ समझ आया हो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा थैंक यू सो मच एवरीवन